दर्शकों नमस्कार, इनविजन के प्राइम टाइम इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज हम आपको देश दुनिया की तमाम खबरें बताने वाले हैं और साथ ही साथ शहर भर में जिस प्रकार से क्राइम घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले एक ऐसे फिल्म के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मनोरंजन की दुनिया में दर्शकों कुछ ऐसी भी फिल्म होती है जो किसी से प्रेरित होकर बनाई जाती है, तो कुछ फिल्में ऐसी होती है जो हमें प्रेरित करती है। कुछ फिल्में अपनी कहानी, उनके गाने, डायलॉग के लिए जानी जाती है। ऐसी फिल्म थी और है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसे आज 25 वर्ष हो चुके हैं। इस फिल्म ने दर्शकों के बीच एक अलग ही छवि बनाई है। इस फिल्म का काम करने वाले हर एक कलाकार को एक अलग पहचान मिली है। यशराज बैनर में इस फिल्म में अहम भूमिका में शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, मंदिरा बेदी, परम सिंह सेठी जैसे अन्य कलाकार मौजूद थे। इतने वर्ष बीतने के बाद भी इसकी कहानी अब भी दर्शकों में ताज़ा है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में कई रिकॉर्ड सेट किए हैं। फिल्म को इतना पसंद किया गया कि सालों तक फिल्म को मराठा थिएटर में दिखाया गया। रुक करते हैं शहर की अन्य खबरों की ओर। तो ये थी फिल्म की कहानी, अब रुक करेंगे शहर के अन्य खबरों की ओर। दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, मनपा द्वारा जो एक बजट के बारे में जो एक निर्णय लिया गया है, वो किस प्रकार का था। शहर में मनपा का इस साल का बजट 2500 करोड़ का बजट पेश किया गया। इस बजट में सबसे अहम बात यह है कि पूर्वायुक्त मुंडे द्वारा नगर सेवक के जिन विकास कामों पर रोक लगाई गई थी, उन्हें इस बजट में हरी झंडी दिखाई गई है। यह बजट ऑनलाइन पेश किया गया। कोरोना की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट ऑनलाइन पेश किया गया। इस बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वैद्य के विभाग पर ज्यादा बजट रखा गया। इस ऑनलाइन बजट को स्थायी समिति द्वारा, स्थायी समिति के अध्यक्ष पिंटू झलके ने महापौर संदीप जोशी और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के सामने में पेश किया। दर्शकों, अब ऐसी खबर की ओर रुख करते हैं जो डीपी जलने के बाद आखिर क्या हुआ। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शहर के दक्षिण नागपुर क्षेत्र के टुकड़ोजी पुतला स्थित डोमिनिक पिज्जा सेंटर के पास बिजली डीपी को अचानक आग लग गई। अचानक हुई इस हादसे में परिसर में अफरा तफरी सी मच गई। अच्छी बात तो यह है कि इसमें किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। कर्मचारियों ने होशियारी दिखाते हुए फायर के 3 सिलेंडर का इस्तेमाल कर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। दर्शकों, बहुत जल्दी यानी एक माह के भीतर में वर्धा रोड स्थित डबल डेकर और मनीष नगर रोड किस प्रकार से उसका कामकाज शुरू है, आइए नजर डालते हैं इस प्राइम टाइम के इस खबर में। दर्शकों, वर्धा रोड का डबल डेकर ब्रिज और मनीष नगर रोड की तैयारी अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में डबल डेकर और मनीष नगर रोड जल्दी शुरू होने की जानकारी मेट्रो के अधिकारियों द्वारा दी गई है। 401 करोड़ का यह प्रोजेक्ट नागपुर वासियों के लिए और यातायात के लिए सुविधाजनक रहने वाला है। यह सबसे अच्छी खबर है। दर्शकों, अब एक ऐसी खबर की ओर रुख करते हैं जिसने पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया। जी हाँ, सही पहचाना आपने। हम बात करने जा रहे कोरोना महामारी से। वुहान से आए कोरोना महामारी ने अब तक के पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया, जिसमें भारत देश भी अछूता नहीं रहा। भारत के कई राज्यों और राज्यों के शहरों में आज भी कोरोना का आतंक जारी है। ऐसे में कोरोना की रोकथाम किस प्रकार से हो रही है और नागपुर शहर में कोरोना को किस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं आज के इस प्राइम टाइम के इस रिपोर्ट में। तो दर्शकों, शहर में आज 427 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को 6775 कोरोना के परीक्षण किए गए, जिसमें से 427 संक्रमित पाए गए। अब यह आंकड़ा बढ़कर 91,559 पहुंच गया है। आज कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। यह आंकड़ा 13 है, जो कि पिछले कुछ दिनों में सबसे कम है। 13 मौतों के साथ मृतकों की संख्या 2,979 पर पहुंच गई है। समाधानकारक बात यह है कि मृत्यु की दर में कमी आई है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।
और दर्शकों इसी के साथ प्राइम टाइम खास रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इनबीसीएन न्यूज नागपुर। नमस्कार।